आप सबको मेरा प्रणाम और स्वागत है महाभारत काल की कुछ अनकही और कुछ अनसुनी कहानियों के मंच पर। चैनल है विश्व शांति दर्शन, जिसके अधीष्ट हैं विश्व शांति के अनुयायी, सामाजिक न्याय के पक्षधर विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड। शास्त्रों में क्षत्रिय को कठोरता और उद्यम का आदेश दिया गया है। सिंह हृदय अर्जुन, नकुल और सहदेव कैसे छिप कर रह सकते हैं? क्या महारानी द्रौपदी दूसरों के द्वारा पहचाने बिना घूम सकती है? हम सभी की खुशी, जीवन, सम्मान और समृद्धि आप पर निर्भर है। तपस्या कर रहे अर्जुन पर एक जंगली सुअर ने हमला किया। भीम अर्जुन का पराक्रम द्रौपदी की है व्यथा, जिसने दी भारत को गीता वो महाभारत कथा। ये महाभारत की कथा, ये महाभारत की कथा। पिछली बार मैं आपसे जुए में हारने के पश्चात पांडवों की वन यात्रा का वर्णन कर रहा था, जहां कृष्ण, सुभद्रा और अभिमन्यु उनसे मिलने आए थे। अब सुनते हैं कृष्ण के जाने के बाद की कहानी। वन में अपने 12 वर्षों के प्रवास की शुरुआत में भीम और द्रौपदी अक्सर युधिष्ठिर से बहस करते थे। उनकी दलील थी कि क्षत्रियों को केवल धर्म सम्मत क्रोध ही शोभा देता है और अपमान तथा अपमान के समय धैर्य रखना उसके योग्य नहीं है। युधिष्ठिर का मत था कि पांडवों को अपने वादे का पालन करना चाहिए और सहनशीलता ही सर्वोच्च गुण है, मगर भीम दुर्योधन पर तुरंत हमला करने, उसे मारने और राज्य वापस जीतने के लिए अधीर थे। भीम का मानना था कि वन में चुपचाप रहना योद्धाओं को शोभा नहीं देता है। भीम ने युधिष्ठिर से कहा, भ्राताश्री, आप उन लोगों की तरह बोलते हैं जो वैदिक मंत्रों को दोहराते हैं और शब्दों की ध्वनि से संतुष्ट होते हैं, हालांकि उनको अर्थ बिल्कुल मालूम नहीं कि उनका क्या है। आपकी बुद्धि भ्रमित हो गई है। आप क्षत्रिय के रूप में पैदा हुए हैं और फिर भी आप एक क्षत्रिय के रूप में न सोचते हैं न व्यवहार करते हैं। आप देखा जाए तो स्वभाव से भ्राताश्री एक ब्राह्मण हो गए हैं। आप जानते हैं कि शास्त्रों में क्षत्रिय को कठोरता और उद्यम का आदेश दिया गया है। हमें धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्रों को अधर्म का मार्ग पर उन्हें नहीं चलने देना चाहिए। यदि हम किसी धोखेबाज शत्रु को मारकर नरक में जाते हैं तो वो नरक ही स्वर्ग है, जिन्होंने धोखे से हमारा राज्य छीन लिया और अब हमें वन में भेजकर आनंद ले रहे हैं। भ्राताश्री, आप कहते हैं कि हमें अपने वचन का पालन करना चाहिए। क्या हिमालय को मुट्ठी भर घास के नीचे छिपाकर रखा जा सकता है? सिंह हृदय अर्जुन, नकुल और सहदेव कैसे छिपकर रह सकते हैं? क्या महारानी द्रौपदी दूसरों के द्वारा पहचाने बिना घूम सकती है? यदि हम यह असंभव कार्य कर भी दें भ्राताश्री, तो धृतराष्ट्र के पुत्र अपने गुप्तचरों से इसका पता लगवा लेंगे। हम बच नहीं सकते, इसलिए हमारा यह वादा पूरा करना असंभव है और यह हमें केवल अगले 13 वर्षों के लिए फिर से वन में धकेलने के लिए हम पर थोपा गया है। भ्राताश्री, जब मैं कहता हूं कि झूठा वादा कोई वादा नहीं होता है तो शास्त्र भी मेरा समर्थन करते हैं। आपको हमारे शत्रुओं को तुरंत मार डालने का संकल्प ले लेना चाहिए। क्षत्रिय के लिए इससे बड़ा कोई कर्तव्य नहीं है। भीम अपनी बात पर जोर देते हुए नहीं थक रहे थे, बार बार वही कह रहे थे। उधर द्रौपदी भी दुर्योधन, कर्ण और दुशासन के हाथों अपने अपमान का बार बार उल्लेख कर रही थी। ये सब सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर बोले, भीम, हमारे शत्रु के पास भूरिश्रवा, भीष्म, द्रोण, कर्ण और अश्वत्थामा जैसे अनुयायी हैं। दुर्योधन और उसके भाई युद्ध में विशेषज्ञ हैं। कई सामंती राजकुमार, साथ ही शक्तिशाली राजा अब उनके पक्ष में हैं। भीष्म और द्रोण का वास्तव में दुर्योधन के चरित्र के लिए कोई सम्मान नहीं, लेकिन वे उसका साथ नहीं छोड़ेंगे और युद्ध के मैदान में उसके पक्ष में अपने जीवन का बलिदान देने के लिए तैयार हैं। कर्ण एक बहादुर और कुशल योद्धा है जो सभी हथियारों में पारंगत है। युद्ध अप्रत्याशित है और सफलता भाई अनिश्चित है। इस प्रकार युधिष्ठिर बड़ी कठिनाई से छोटे पांडवों को उनकी अधीरता को रोकने में सफल रहे। बाद में महर्षि व्यास की सलाह के अनुसार अर्जुन देवताओं से नए हथियार प्राप्त करने के उद्देश्य से तपस्या करने हेतु हिमालय पर जाने के लिए निकले। अर्जुन अपने भाइयों से मिलकर पांचाली से विदा लेने गए। द्रौपदी ने कहा, हे धनंजय, आप अपने उद्देश्य में सफल हों। भगवान आपको वो सब दे जिसकी माता कुंती ने आपके जन्म के समय आशा और कामना की थी। हम सभी की खुशी, जीवन, सम्मान और समृद्धि आप पर निर्भर है। नए हथियार प्राप्त करने के बाद ही लौटे। इस प्रकार पांचाली ने अर्जुन को शुभ वचन देकर विदा किया।
अब अर्जुन घने जंगलों से गुजरते हुए इंद्रकिला पर्वत पर पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात एक बूढ़े ब्राह्मण से हुई। तपस्वी मुस्कुराए और स्नेहपूर्वक अर्जुन से बोले, बालक तुम कवच पहने हुए हो और शस्त्र धारण किए हुए हो, तुम कौन हो? यहाँ शस्त्रों का कोई उपयोग नहीं है। तुम तपस्वियों और संतों के इस निवास स्थान में क्षत्रियों के भेष में क्या खोज रहे हो? क्या तुमने क्रोध और आवेश पर विजय पा ली है? ब्राह्मण के वेश में वह देवताओं के राजा इंद्र थे जो अपने पुत्र से मिलने के लिए आए थे। अर्जुन ने अपने पिता को प्रणाम किया और कहा, मैं हथियार चाहता हूँ, मुझे हथियार प्रदान करें। इंद्र ने उत्तर दिया, हे धनंजय, हथियारों का क्या उपयोग है? सुख मांगो या आनंद के लिए उच्च लोगों में जाने का प्रयास करो। अर्जुन ने उत्तर दिया, हे पिताश्री, मैं उच्चतर लोगों का सुख नहीं चाहता। मैं पांचाली और अपने भाइयों को वन में छोड़ने के बाद यहाँ आया हूँ। मुझे केवल अस्त्र और शस्त्र ही चाहिए। तब इंद्र ने कहा, यदि तुम तीन नेत्रों वाले भगवान शिव के दर्शन से धन्य हो जाते हो और उनकी कृपा प्राप्त करते हो तो तुम्हें दिव्य हथियार प्राप्त होंगे। शिव की तपस्या करो। इतना कहकर देवेंद्र अंतर्ध्यान हो गए। तब अर्जुन हिमालय पर गए और शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए उन्होंने तपस्या शुरू की। तभी एक शिकारी के भेष में शिव ने अपनी दिव्य पत्नी उमा देवी के साथ शिकार की तलाश में जंगल में प्रवेश किया। अचानक तपस्या कर रहे अर्जुन पर एक जंगली सुअर ने हमला किया। अर्जुन ने अपने गांडीव से उस पर तीर चलाया, लेकिन उसी क्षण शिकारी शिव ने अपने पिनाक धनुष से जंगली सुअर को घायल कर दिया। अर्जुन ने ऊंचे स्वर में चिल्लाकर कहा, तुम कौन हो? तुम अपनी पत्नी के साथ जंगल में क्यों घूम रहे हो? मैंने जिस शिकार को लक्ष्य करके रखा था उस पर तीर चलाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शिकारी शिव ने मानो तिरस्कार पूर्वक उत्तर दिया, जंगली जानवरों से भरा ये जंगल हम लोगों का है, जहां हम रहते हैं। तुम एक शिकारी नहीं दिखते हो। तुम्हारे अंग और सहन शक्ति एक नरम विलासतापूर्ण जीवन का संकेत देती है। बल्कि मुझे तुमसे ये पूछना है कि तुम यहां क्या कर रहे हो? फिर शिव जी ने कहा कि उनका बाण था जिसने जंगली सुअर को मार डाला था। यदि अर्जुन कुछ अलग सोचता है तो वे उससे युद्ध के लिए तैयार। अर्जुन को इससे बेहतर कोई भी चीज़ प्रसन्न नहीं कर सकती थी और वो तो उछल पड़ा और शिव पर सांप जैसे बाणों की वर्षा करने लगा। उसे आश्चर्य हुआ कि शिकारी पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। जब अर्जुन के पास कोई तीर नहीं बचा तो उसने अपने गांडीव से शिव पर प्रहार करना शुरू कर दिया। लेकिन शिकारी शिव ने इस पर ध्यान नहीं दिया और आसानी से अर्जुन के हाथ से गांडीव छीन लिया और जोर जोर से हंसने लगे। अर्जुन, जिसे जंगल के एक साधारण शिकारी ने अपमानित करके आसानी से निहत्ता कर दिया था, संदेह की स्थिति में आश्चर्यचकित रह गया। फिर निडर होकर उसने अपनी तलवार निकाली और युद्ध जारी रखा। शिकारी के हठीले और गठीले शरीर पर तलवार के टुकड़े टुकड़े हो गए। अब अर्जुन को उस दुर्जय अज्ञात शिकारी से जूझने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन यहां फिर शिकारी बाजी मार ले गए। उन्होंने अर्जुन को इतने करीब से अपने लोहे जैसे मजबूत हाथों की पकड़ में जकड़ लिया कि अर्जुन बिल्कुल असहाय हो गए। परेशान और अभिभूत अर्जुन ने विनम्रतापूर्वक दैवीय सहायता मांगी और शिव का ध्यान किया। और जैसे ही उसने ऐसा किया तो अर्जुन के व्याकुल मस्तिष्क में चारों ओर एक रोशनी फैल गई और तुरंत उसे पता चल गया कि शिकारी वास्तव में कौन था और वो प्रभु के चरणों में गिर पड़ा और पश्चाताप और आराधना की ट्यूट हुई आवाज में उसने क्षमा की प्रार्थना की। मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया अर्जुन, शिव ने मुस्कुराते हुए कहा और उसे उसका गांडी वापस दे दिया और साथ ही साथ हथियार भी दिए जिनसे वो वंचित था। उन्होंने अर्जुन को अद्भुत पाशुपत अस्त्र भी प्रदान किया। युद्ध में पस्त अर्जुन का शरीर त्रिनेत्र भगवान के दिव्य स्पर्श से पूर्ण और परिपूर्ण हो गया और पहले से 100 गुना अधिक बलशाली और तेजस्वी भी। स्वर्ग जाओ और अपने पिता इंद्र का कर्तव्यपूर्ण सम्मान करो, शिव ने कहा और डूबते सूरज की तरह वे अदृश्य हो गए। अर्जुन खुशी से अभिभूत हो गया। वो सोच रहा था कि क्या उसने वास्तव में भगवान को आमने सामने देखा है और क्या उसे उनका दिव्य स्पर्श आशीर्वाद स्वरूप मिला है। उसी समय इंद्र के सारथी और दूत माकली अपने रथ के साथ वहां आए और अर्जुन को देवताओं के पास इंद्रलोक ले गए। तो बस मैं भी देता हूं आज की कहानी को यहीं विराम। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए महाभारत काल की ऐसी अनसुनी कहानियों के लिए विश्व शांति दर्शन से।